हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीनास किचन। आज हम देखने वाले हैं डिश वॉशर का रिव्यू। तो फ्रेंड्स, आजकल डिश वॉशर जो है वो हर घर की ज़रूरत बन चुका है। अगर आपको बजट में डिश वॉशर चाहिए तो आप ये माइडिया का डिश वॉशर ले सकते हैं। इसमें जो फीचर्स है आप देख सकते हैं, ये 1.5 घंटे में जो रेगुलर वॉश होता है उसे ये कम्प्लीट करता है। तो इस तरह से हम इसे ओपन कर लेते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर जो बहुत सारे फंक्शंस मिल जाते हैं। तो पहला फंक्शन आप यहाँ देख सकते हैं, यह P1, ये 170 मिनट्स का होता है और आप इसमें ग्लास धोने के लिए इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। P2 आप देख सकते हैं 225 मिनट्स का होता है। ये सबसे ज़्यादा लंबी वाली साइकिल है। और अब देख लेते हैं P3 जो है वो है 130 मिनट्स, और जो P4 है ये रेगुलर है, जो रेगुलर हम हर रोज़ का डेली यूज़ करते हैं उसके लिए ये P4 है, ये 90 मिनट्स का है, यानी कि 1.5 घंटे का। तो अगर आप इस मशीन को ले रहे हैं तो हर रोज़ यूज़ करने के लिए P4 फंक्शन जो है वो सबसे अच्छा होता है। और यहाँ पे और भी फंक्शंस दिए हैं जो कि P5, P6, P7 है। और ये जो P5 है वो 30 मिनट्स का है, P6 100 मिनट्स का, जिसमें कि मशीन अपने आप को खुद से क्लीन करेगा। और P7 जो है वो प्री वॉश है। तो इसे अब हम ओपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है सेक्शन, इसमें हम डिटर्जेंट या टैबलेट डाल सकते हैं। इस तरह से इसे आप ओपन कर ले, इसमें डिटर्जेंट या तो टैबलेट जो आता है उसे आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और ये जो जगह दिया है वो रिनसेट के लिए है, और अगर आप टैबलेट यूज़ कर रहे तो रिनसेट का ज़रूरत नहीं पड़ता है, सॉल्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये है हमारा कटलरी बॉक्स जो है, इसमें आप चम्मच रख सकते हैं, नाइफ्स रख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये मिल जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ैन रोटेट करता है, तो ये फ़ैन जो है बर्तन से टकराना नहीं चाहिए। दोनों जगह ये फ़ैन अवेलेबल है, ये देख सकते हैं दोनों तरफ ये फ़ैन होता है। और जब भी हम बर्तन इसमें डालेंगे तो इसे बर्तन डालने के बाद हमें इस फ़ैन को रोटेट करके भी देखना होता है कि ये टकराए नहीं। इस जगह पे हम सॉल्ट डालते हैं तो इसे ओपन करके सॉल्ट डाला जा सकता है। और ये जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे जो फूड पार्टिकल्स है ना वो इकट्ठा हो जाते हैं, तो बीच बीच में आपको इसे निकाल करके इसे क्लीन करना होगा। तो चलिए आपको अब मैं दिखाती हूँ, इसके साथ ये जो टैबलेट है वो आया हुआ था। तो ये जो टैबलेट है वो बिल्कुल बेसिक वाला टैबलेट है, आप इससे हाई रेंज वाले में भी जा सकते हैं। तो इसके साथ यही मिला था। और अब हम इसमें डाल लेते हैं जो बर्तन हमें डालने हैं इसमें। तो इस तरह से आप इसे निकाल सकते हैं, और आप चाहे तो चम्मच को कटलरी बॉक्स में डालें या तो फिर इस तरह से भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो जैसे आपको कन्वीनियंट लगे उस तरह से आप बर्तनों को इसमें अरेंज कर लें। फ्रेंड्स, ये जो डिश वॉशर है वो बजट फ्रेंडली है, पर इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि ये जो डिश वॉशर है ना वो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही कंज्यूम करता है बाकी के कंपेयर में। तो इसमें हम इस तरह से बर्तन को रखते जाएंगे, और एक बात का ध्यान रख रहे हैं कि जब भी हम इसमें कोई भी बर्तन डाल रहे हैं तो उसे हमें उल्टा करके डालना है, सीधा हम नहीं डालेंगे। ये देखिए इस तरह से हम सारे कटोरी ग्लास जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसे हमें उल्टा कर लेना है। ये देखिए ग्लास को भी हम इस तरह से उल्टा करके डाल लेते हैं। अब हम इसे अंदर डाल लेंगे, और इसी तरह से हमने दूसरा भी जो है सेक्शन उसे भी लोड कर लेना है, और इसे हम ओपन कर लेते हैं। इसमें हमने टैबलेट को डाल लेना है। तो अगर आप टैबलेट यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ अलग से रिनसेट और सॉल्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए इस तरह से हमने बर्तन को डाल लिया है, और इस तरह से हम इस फ़ैन को रोटेट करके देख लेते हैं। अगर ये बर्तन से टकरा रहा हो तो बर्तन को आप इस तरह से एडजस्ट करें कि ये फ़ैन को टकराए नहीं, और नीचे वाले भी फ़ैन को हम इस तरह से रोटेट करके देख लें। और हर बार आपको ये रोटेट करके देखना है, वरना फ़ैन जो है वो टूट भी सकते हैं। आप देख सकते हैं जो हमने थालियाँ रखी है उसको थोड़ा टेढ़ा रखा है ताकि ये जो फ़ैन है उस पर टकराए नहीं। तो इसी तरह से अब हम इसे बंद कर देते हैं, और अब हम इसे सेट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे P4 सेट करेंगे। तो सबसे पहले पावर बटन को ऑन कर लेते हैं, और अब हम यहाँ पे देख लेते हैं इसका जो सेटिंग है, इसे हमने P4 में कर दिया है। P4 में ये आ चुका है, और
यहाँ आप इसे हाफ़ या फुल भी कर सकते हैं। हाफ़ रहेगा तो सिर्फ नीचे वाले सेक्शन में अगर आपने बर्तन डाला है तो हाफ़ रहेगा। और अब हमने इसे ऑन कर दिया है तो ये 1.5 घंटे का टाइम लेगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरफ यहाँ पे जो दो लाइट इंडिकेट हो रहा है ये रिंसेड और सॉल्ट का है, तो टैबलेट में रिंसेड और सॉल्ट दोनों होता है इसलिए ये इंडिकेट कर रहा है। और पानी अगर इसे नहीं मिलेगा तो ये जो आप देख रहे हैं जहाँ पे टैप का सिंबल दिया हुआ है वहाँ पे भी लाइट ऑन हो जाएगा, तो आप समझ जाएंगे कि इसमें पानी का कनेक्शन जो है वो पानी नहीं आ पा रहा है। इनलेट और आउटलेट पाइप के लिए आप इस तरह से कनेक्शन करवा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने डिश वॉशर और वॉशिंग मशीन दोनों का ही कनेक्शन इसमें एक ही साथ करवा लिया है, तो इस तरह से आप इसका जो कनेक्शन है वो प्लम्बर से करवा सकते हैं। तो 1.5 घंटे के बाद हम इसे चेक करेंगे, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे मशीन ने अपना काम कर दिया है और यहाँ एंड लिखा हुआ है। तो थोड़ी देर के बाद हम इसे ओपन करेंगे, तुरंत ओपन करेंगे तो अंदर जो है काफ़ी गर्म होता है। तो थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हैं जो हमारे बर्तन है वो क्लीन हो चुके हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं बर्तन जो है वो पूरी तरह से ड्राई नहीं होते हैं, 60-70% ये ड्राई रहते हैं। तो इसे अब हम निकाल के देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं ये हमारी जो थाली है पहले काफ़ी गंदी थी लेकिन अब ये थाली भी जो है वो साफ़ है और इसके हमने इसमें नीचे में कढ़ाई भी रखी है। फ्रेंड्स आप ये मत सोचिए कि अगर हम बहुत ही जली हुई कढ़ाई रखेंगे जो कि बहुत सालों से गंदी है वो बिल्कुल इसमें डालने के बाद बिल्कुल नई सी बन करके तैयार हो जाएगी, वैसा नहीं होता है। तो इस तरह से हमारे सारे बर्तन जो है वो साफ़ हो चुके हैं। और अब मैं आपको कढ़ाई का भी दिखा देती हूँ कि ये कढ़ाई भी कितना साफ़ हुआ है कि नहीं। ये देखिए कढ़ाई भी जो है वो साफ़ हो जाता है। और अगर आप इसमें प्रेशर कुकर भी डाल रहे हैं तो प्रेशर कुकर जो है उसका जो रबर होता है उसे आप निकाल के डालें, क्योंकि गर्म पानी से जो ये वॉश करता है तो आपका जो रबर है वो ख़राब हो सकते हैं। इस तरह से हमने ये सारे बर्तनों को यहाँ पे निकाल लिया है और आप देख सकते हैं जो बर्तन हैं वो हमारे काफ़ी साफ़ हो चुके हैं। फ्रेंड्स अगर आपको डिश वॉशर ख़रीदना है तो इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और डिश वॉशर यूज़ करेंगे तो आप कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखें कि जब आप इंस्टॉल करवाएं इसे इसके पहले ही आप प्लम्बिंग का जो भी काम है उसे करवा लें। और जब भी आप डिश वॉशर में बर्तन डालें तो उसे उल्टा ही डालें, और जब आप बंद करें उससे पहले आप चेक कर लें जो फ़ैन है वो रोटेट हो रहा है या कहीं टकरा तो नहीं रहा, क्योंकि जो फ़ैन होता है उसमें वारंटी नहीं मिलती है और जो इसमें लॉक होता है ना उसमें भी वारंटी नहीं होती है। तो इस तरह से कुछ बातों का आप ध्यान रखिए डिश वॉशर में, और इस तरह से आपका जो डिश वॉशर है काफ़ी सालों साल चलेगी और आपको बहुत बड़ी हेल्प भी मिलेगी। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।